Now let us solve question number 76, which says let f from 0 to 2 to r, set of r, मतलब set of real numbers, be the function which is continuous on the interval, जो given interval है 0 to 2 closed, and open interval 0 to 2 पे differentiable है, with initial condition that f of 0 is equal to 1, and we are given capital fx as 0 to x square, लिख लेते हैं एक बार, capital fx हमें दिया हुआ है, 0 to x square, f of square root t dt, लिमिट्स भी जो है फंक्शन ऑफ एक्स में दी हुई हैं. तो नेक्स्ट दिया हुआ है फॉर ऑल एक्स, दिस हैपन्स फॉर ऑल एक्स बिटवीन 0 टू 2. तो अब हमें ये भी दे रखा है ऑल्सो, एंड जो फंक्शन का डेरिवेटिव है इसका, दिस इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू 2. अब हमें एफ ऑफ 2 निकालना है, सो दिस इज आर रिक्वायरमेंट कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल ली. तो सिंस डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इंटीग्रेशन में, क्योंकि एफ एक्स, देखें ध्यान से देखें, एफ एक्स एक इंटेग्रल है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज कॉल्ड न्यूटन्स लिबनिट्स फॉर्मूला, न्यूटन्स लिबनिट्स फॉर्मूला, और यू कैन से रूल, इट इज अ रूल एज वेल एज फॉर्मूला. तो दिस फॉर्मूला गोज दिस वे, ये कहता है कि अगर आपको से एक इंटेग्रल दिया हुआ है एफ टी डी टी और इसकी लिमिट्स दे रखी हैं फाई एक्स से साई एक्स, मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स से फंक्शन ऑफ एक्स ही लिमिट्स हैं, तो ऑब्वियस है जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद लिमिट्स लगाएंगे तो वो फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा. जब इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे फंडामेंटल रूल से, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा. जब उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स उस फंक्शन का, सो द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन दैट कम्स आउट टू बी, ये कहता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देगी. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स ऑपरेटर्स हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी नहीं रहेगी इंटीग्रेशन भी नहीं रहेगी, लेकिन आएगा क्या, सबसे पहले आएगा एफ के अंदर अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस, फिर आएगा एफ के अंदर लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव. इसका प्रूफ थोड़ा सा लंबा चला जाएगा तो यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं कर रहा, समझा देता हूँ. मीन्स जैसे आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो आंसर आता है ना, अपर लिमिट पुट करके फिर माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो कुछ उससे रिलेटेड है. तो जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा अपर लिमिट पहले पुट हो जाएगी फंक्शन में इंटू इट्स डेरिवेटिव, इसी तरह माइनस फंक्शन में लोअर लिमिट पुट हो जाएगी इंटू इट्स डेरिवेटिव. तो यहाँ पे हमारे पास जो एफ एक्स दिया हुआ है कैपिटल वाला, वो दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ रूट टी डी टी. तो यहाँ पे जब मैं डेरिवेटिव लगाऊंगा एफ डैश एक्स, इसका मतलब है कि डी बाई डी एक्स करना है आपको इस इंटेग्रल का. तो यूजिंग न्यूटन्स लिमिट्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला, वी कैन गेट दिस एज एफ ऑफ, तो रूट टी में सबसे पहले एक्स स्क्वायर पुट हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस, फिर रूट टी में 0 पुट हो जाएगा, रूट 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू 2x. ठीक है, तो इसका मीनिंग है हमारे पास एफ डैश एक्स जो है वो आ गया 2x एफ एक्स. अब जो समझने वाली बात है यहाँ पे, दैट सेज कि ऑल्सो एंड ऑल्सो हमें ये भी गिवन है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, अगर आप यहाँ से देखें ऑब्वियसली विद इन दैट रेंज 0 टू 2. तो अगर मैं कंपेयर कर दूँ तो दिस इम्प्लाइज आई कैन से एफ डैश एक्स स्मॉल वाला, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो इक्वेट कर दिया दिस इज इक्वल टू 2x एफ एक्स. लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे पढ़ सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन लगाए तो ये होता है दिस इज इक्वल टू 2x एफ एक्स. सो दैट मीन्स इसको फर्दर लिख सकते हैं डी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x dx, और उस एफ एक्स को नीचे ले आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर रहे हैं. तो डी ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x dx. आप इसको y भी मान सकते हैं, और यू कैन से डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू 2x dx, वेयर y को हमने पुट कर लिया एफ एक्स जस्ट फॉर ईजीनेस ऑफ कैलकुलेशन. सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, हमारे पास इक्वेशन आ गई, दैट इज डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू 2x dx. सो इंटीग्रल बोथ साइड्स इनडेफिनिट ऑब्वियस, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई, यू कैन से मॉड वाई
इज इक्वल टू 2x का इंटीग्रल आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस सी. तो वी कैन से मॉड y जो आया है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी. तो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे, लेट अस से वी टेक y एज पॉजिटिव बिकॉज हमारे पास फंक्शन जो दिया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ है, तो y पॉजिटिव ले लेते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन. तो y आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी विदाउट क्रिएटिंग मच कन्फ्यूजन. तो अगर आप चेक करें इनिशियल कंडीशन, नाउ ये दिया हुआ है कि f1 जो था, इनफैक्ट f0 आई शुड से, f0 जो था वो 1 दिया हुआ है गिवन कंडीशन से. तो f0 इज 1 मीन्स y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 कितनी हो जाएगी, 1. तो पुट करें यहाँ से c निकल आएगा, तो दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू e की पावर 0 प्लस सी, विच इम्प्लाइज कि 1 इज इक्वल टू e की पावर c. तो e की पावर c करने पे 1 आ रहा है, तो c क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि n इन टू द पावर 0 इज 1. तो यहाँ से देयर फॉर वी कैन कंक्लूड दैट इज y becomes equal to e की पावर x square, और वी कैन से सिंपली एफ एक्स जो है वो हमारा कितना आ जाएगा, e की पावर x square. तो यहाँ से एफ एक्स निकल आया. अब हमें बात करनी है हमारे कैपिटल एफ एक्स की, क्योंकि हमें कैपिटल f ऑफ 2 निकालना है. तो अब एफ एक्स की वैल्यू जो थी उसमें पुट करते हैं वैल्यू, इसमें पुट कर लेते हैं x को. तो हमारे पास एफ एक्स था 0 से एक्स स्क्वायर एफ ऑफ रूट टी डी टी. तो एफ एक्स हम निकाल चुके हैं, तो एफ ऑफ रूट टी कितना आएगा, यहाँ से आप खुद देख लीजिए, 0 टू एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा ई की पावर एक्स, बिकॉज ई की पावर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे. यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर एफ ऑफ रूट टी लिखूँ मैं तो यह आ जाएगा ई की पावर रूट टी का स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर बेसिकली लिखना चाहिए, रूट टी का होल स्क्वायर. तो ये बन जाएगा e की पावर t. तो उस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूँ तो e की पावर x आ जाएगा, e की पावर t आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी dt, क्योंकि t में है ये. तो इसकी इंटीग्रेशन करनी आसान है, तो ये आ जाएगा e की पावर t वेयर लिमिट्स वेरी फ्रॉम 0 टू एक्स स्क्वायर. तो ये आ जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर 0 विच इज़ 1, तो e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो देयर फोर एफ ऑफ 2 मीन्स एक्स को 2 पुट कर दे, तो ये आ जाएगा e की पावर 2 का स्क्वायर माइनस 1 मीन्स e की पावर 4 माइनस 1. सो द आंसर इज e की पावर 4 माइनस 1.